लोकसभा चुनाव 2019 में मिली प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। 4,79,000 वोटों के अंतर से वाराणसी लोकसभा सीट जीतने के बाद यह पीएम मोदी की पहली यात्रा रही। पीएम मोदी ने वाराणसी के दीनदयाल हस्तकला संकुल में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। इसके बाद पीएम मोदी ने भोजपुरी में वहां मौजूद लोगों से कहा प्रणाम बा। उन्होंने कहा इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पार्टी और कार्यकर्ता जो आदेश करते हैं तो मैं उसका पालन करता हूं। उन्होंने कहा कि जिस दिन मैं काशी आया था उस दिन जो दृश्य था उसने पूरे देश को प्रभावित किया था। जब यहां के कार्यकर्ताओं ने कहा था कि एक महीने तक आप काशी में प्रवेश नहीं कर सकते हैं तो मेरे लिए आपका आदेश सर आंखों पर था। मैं आपके लिए कार्यकर्ता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि मैं काशी आना चाहता था। मैं चुनाव नतीजों को लेकर निश्चिंत था। काशी ने जो शक्ति मुझे दी है ऐसा सौभाग्य मिलना बहुत मुश्किल है। नीति और रणनीति, इसकी सिनर्जी सरकार और संगठन के काम की सिनर्जी का एक प्रतिबिंब होती है और जिस प्रतिबिंब का आज हम सफल उसका लाभ देश को मिल रहा है। उसी प्रकार से हमें जानते हैं कि सरकार का काम है कार्य करना और इसलिए एक तरफ सरकार का कार्य हो और उसमें जब कार्यकर्ता जुड़ जाता है कार्य प्लस कार्यकर्ता वो एक ऐसी ताकत है जो करिश्मा करती है। ये जो करिश्मा दिख रहा है वो कार्य का भी है और कार्य के साथ कार्यकर्ता का भी है। दोनों में से एक होने से होना नहीं है करिश्मा और इसलिए वर्क एंड वर्कर क्रिएट्स द वंडर। वहीं काशी दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान विश्वनाथ से देश में शांति और समृद्धि का आशीर्वाद लिया। इसके लिए पीएम मोदी ने महादेव को 501 सफेद कमल की विशेष माला अर्पित की। पूजा अर्चना के दौरान पीएम मोदी के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे।